अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद को जो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और खुश हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा आज की वीडियो जो है किस बारे में है। इट्स ऑल अबाउट माय बैग्स कलेक्शन। तो जैसे कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत डिमांड पे मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। और उससे ज़्यादा थे मैं मेकअप कलेक्शन की, यार मेकअप कलेक्शन दिखाएं, ज्वेलरी कलेक्शन दिखाएं। तो ठंड रखें, सब रखें, स्लोली स्लोली जो है मैं सब दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेकअप मेरा जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक वीडियो में तो पूरा नहीं आएगा, वो मैं अलग से दो वीडियो बनाऊंगी, एक हाई एंड ब्रांड की और एक जो है नॉर्मल लाइक रीजनेबल मेकअप कलेक्शन की, ठीक है जी। और उसके अलावा ज्वेलरी कलेक्शन की भी वीडियो सुन लाऊंगी। आज जो सारी वीडियो होने वाली है मैं बैग्स कलेक्शन पर, इनमें से मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा सबसे एक्सपेंसिव बैग कौन सा है, और उसके अलावा मैं गो टू बैग कौन सा है, और जो मेरे प्यारे से फेवरेट है वो कौन से है जिनको मैं छुपा के रखती हूँ अपनी बहनों से। यार मेरी बहनें ना, आप लोगों को तो पता है जिनकी बहनें होंगी ना वो मुझसे रिलेट करेंगी कि जो हम न्यू चीज़ लाते हैं वो बहनें हमारी रुला फिरा के ना ख़राब कर देती है, इसीलिए मैं कुछ जो है छुपा के रखती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से जो है सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए जी, ये मेरे सारे बैग्स पड़े हुए हैं, ये मैं निकाल के आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी, और कुछ मैंने यहाँ पे रखे हैं जो मेरे वहाँ पड़े हुए थे पैक्ड। चलिए जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और मैंने सोचा यहाँ पे आकर मैं खुद सामने से बैठ के आप लोगों को मेरा हर एक बैग दिखाऊँ, क्योंकि यार उस तरह से मज़ा नहीं आता ना, लाइक सिर्फ मैं बैग्स वगैरह दिखाती थी, यहाँ से थोड़ा खोल के दिखाऊंगी एंड अच्छे से समझाऊंगी और अपने इमोशंस भी बताऊंगी विद द बैग, अगर वो मेरे इमोशंस के साथ है, नहीं तो नहीं, कुछ और ही होगी। चलें जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मेरे पास हैं ये दो वॉलेट्स, ये बोथ आर माय गो टू वॉलेट्स, ठीक है जी। इनमें कुछ कैश रखा होता है दोनों में, मतलब ज़्यादा कैश तो मैं नहीं रखती, कैश के मामले में मैं थोड़ी बहुत गरीब हूँ तो। और बाकी दोनों में जो है अलग अलग कार्ड रहता है मेरा। वैसे मुझे जो बीच में बड़ा शौक हुआ था यू नो वॉलेट कलेक्शन का, तो मैंने बहुत सारे वॉलेट्स मंगाए, पर जिसकी मेरी तरह ज़्यादा बहनें हों तो वो जो है वॉलेट की कलेक्शन नहीं रख सकती। बजाते दूसरे पे छोटे छोटे बैग्स पे आ जाते। तो ये देखिए जी, ये जो है मैंने मंगवाया था शीन से, कितना खूबसूरत है ये छोटा सा। और क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग एंड ये शीन से आया था मुझे। और दूसरा मैं आपको छोटू सा बैग दिखाती हूँ, दिस वन, ये मुझे आया था माल्टा की तरफ से, ये मुझे पीआर मिला था, वो मैंने जो है बाय किया था, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से खुलता है और इसमें तो मुश्किल से कैश आएगा। और कुछ इस तरह से अब आ जाते हैं दूसरे। उसके अलावा माय फेवरेट ये जो है, ऐसे दिख रहा है ना, ये जो है मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसको आप वेस्टर्न पे भी कैरी कर सकते हैं, ईस्टर्न पे भी कैरी कर सकते हैं, ये देखिए जी। और अब आ जाते हैं, ये कितने हो गए, तीन, दो वॉलेट एंड तीन बैग्स हो गए, आई मीन पाँच हो गए। और उसके बाद जो है ये लिया था, ये सबीना ने लिया था, ये मिनीसो से लिया था, बीच में जो है बड़े ट्रेंडी से चल रहे थे, यूँ इस तरह से कैरी करना भी बहुत इजी है, जिस तरह से चाहे आप कैरी कर सकते। एंड उसके बाद दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट, आप लोगों ने देखा होगा ये मेरा गो टू बैग है, मैं जहाँ जाती हूँ इसको लेके जाती हूँ, इसमें जो एक मेरा वॉलेट पड़ा रहता है और दूसरा मतलब मुझे कुछ चाहिए मोबाइल वगैरह तो मैं डाल के इसमें बस चली जाती हूँ, एक मेरा वॉलेट इसमें पड़ा रहता है, वो दूसरे वाले बैग में, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। एंड ये जो है मैंने शीन से मंगवाया था, इसकी इस बैग के साथ ना बड़ा पंगा हुआ था मेरी टेस्ट पे, जब ने यू नो इसकी टेस्ट थी तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे बैग, उन्होंने बोला कि नहीं आपको ये सबमिट करवाना पड़ेगा, मैंने बोला नहीं भाई मैं जाऊँगी तो मेरा बैग भी जाएगा, अदरवाइज मैं भी घर जाऊँगी मेरा बैग भी घर जाएगा, ये बड़ा एक्सपेंसिव है मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो थोड़ा बहुत पंगा हुआ था। एंड इसमें ये देखिए स्पेस अच्छा खासा है, और इसमें मेरा वॉलेट दोनों मोबाइल और चार्जर इजीली आ जाता है, ठीक है। आप लोग काउंट करते जाएं, फिर आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि टोटल बैग्स कितना हुआ। और इसके बाद ये है द ब्राउन वन, ये भी बड़ा अच्छा क्लासी सा लगता है, स्ट्रैप भी आती है चाहे तो आप शोल्डर बैग की तरह कैरी करें, और अंदर से ये देखिए दो पोर्शंस बने हुए हैं, ये डिटेल में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है जी। और इस तरह से है, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, काउंटिंग बाद में करेंगे मैं भूल गई काउंटिंग। ये देखिए जी,
ये जो है ये मुझे पीआर आया था, क्योंकि इस बैग की प्राइस जो थी वो शॉक, जब मैंने इसकी प्राइस देखी आई गेस 38 या 45 थाउजेंड, 100 नहीं भाई 1000, इसमें जो है 45K का क्या है भाई। अभी तो मैंने इसको उजड़ा चमन कर दिया है और ये मुझे पीआर में मिला था तो इसीलिए मैं खुश हो गई थी, वरना मैं कभी भी इतना एक्सपेंसिव बैग परचेज ना करती। नहीं भाई मैं तो कभी ना करती। तो इसकी जो शॉप है वो आई गेस टॉलमेन मॉल में कराची जाते हैं इस पे। ये भी बैग जो है मुझे बड़ा प्यारा लगता है और ये मेरी अम्मी का भी फेवरेट है, अम्मी भी इसे कैरी करती हैं और मैं भी कैरी करती हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छा खासा है, यूं खुलता है। एंड इसके बाद यूँ ये देखिए इसमें तीन जो है पोर्शन बने हुए हैं और ये इसकी स्ट्रैप है, एज अ शोल्डर बैग भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसको जो है मैंने 6 या 5 साल पहले लिया था लोकल मार्केट से और स्टिल ये जैसे मैंने लिया था वैसा ही वैसा है। देखिए गाइस मैं कितना संभाल के रखती हूँ मेरी चीज़ें, ना जैसे मैं लेती हूँ वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अगर ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करती, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मेरे यहाँ पूरा मोहल्ला है यूज़ करने वाला है, मेरी बहन है, मेरी कजन्स एंड अम्मी, यू नो ये वो लोग सारे कैरी करते हैं। बट मैं उनको कहती हूँ जैसे आप लेके जा रहे हैं वैसे मेरा लेकर आइएगा, तो डू नॉट ज़्यादा टची वची इसको। और ये देखें जी ये जो है मैंने मिनीसो से लिया था 3 साल पहले, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है अभी, आई गेस मिनीसो पे नहीं है इस तरह से। ये जो इजीली यू नो ये देखें आप चाहे तो इस तरह से कैरी करें चाहें तो यूँ कैरी करें। ये 2-3 साल से मैं यूज़ करती हुई आ रही थी, दिस वॉज माई गो टू बैग, अब जो है मैंने चेंज कर लिया, अब मैं दूसरा लेती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, ये भी जो है ये भी मिनीसो का है, ये भी आई गेस 3 से 4 साल पुराना है। आ जाते हैं इस पे, ये जो है मेरा, ये मेरा फेवरेट है, ये मैं छुपा के रखती हूँ क्योंकि ये वाइट है, वाइट पे जो है ना जल्दी से दाग लग जाते हैं, इसीलिए मुझे ये छुपा के रखना पड़ता है गाइस। तो बस यूँ खुलता है, मैं खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से खुलता है। इसके साथ जो है हमें ये स्ट्रैप भी मिली है बस एक ही, ये नो तो ये भी बड़ा प्यारा है। एंड इसके अलावा पता नहीं कितने हो गए, आप लोग काउंट कर रहे हैं ना तो मुझे बताइएगा। ये देखें ये भी मतलब ये मैंने ऑर्डर किया था, मुझे याद नहीं पेज, अगर याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगी। बट ये बड़ा कूल, इन्होंने मुझे जो है ज़्यादा यूज़ ही नहीं करने दिया, क्योंकि वो कहती जो भी चीज़ तुम यूज़ करती हो ना वो ख़राब कर देती हो ज़्यादा, क्योंकि मैं यूज़ करती इस वजह से, तो वो कह रही है कि इसको यूज़ ना करें। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से हम कैरी कर सकते हैं और ये वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों पे चलता है एंड ये बहुत ही प्यारा है। अगर मुझे पेज याद आ गया तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल, स्ट्रैप भी मिली है आप इसके साथ भी कैरी कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा स्पेस है। बात आते हैं इस पे, ये देखें ये भी मेरा बड़ा प्यारा बैग है और इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है और ये मेरा जो है गो टू बैग है। ये देखें हालत देखें काम देखें, तो ये जो है मेरा गो टू बैग है। इसमें जो है मैं वॉलेट रखती हूँ, अपना मोबाइल रखती हूँ और चार्जर वगैरह जो भी हो इजीली आ जाता है, इसमें स्पेस की भी कोई टेंशन नहीं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये देखिए जी ये तो आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बैग एंड ये जो है मेरा गो टू बैग है। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आई गेस ये 6,500 या 8,500 का है बट दिस वॉर्थ इट। के बाद आ जाते थोड़े बड़े बैग की तरफ, ये देखें ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है और ये नर्वाना वालों की तरफ से, इनका भी लिंक डाल दूंगी मैं नीचे जी, और पता नहीं कितने हुए। एंड उसके बाद बड़े बैग्स में से ये दूसरा बड़ा है और सारे जो मेरे यू नो शोल्डर बैग्स हैं जो बड़े बड़े वाले वो सभी ने रखे हुए हैं, तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 थे तो 2 ही मैं आपको दिखा रही हूँ। वो भी लेती है क्योंकि उसे बड़े बैग्स पसंद है, मुझे जो है नॉर्मल साइज़ के पसंद है ताकि मैं अच्छे से कैरी कर सकूँ। सभी ने ज़्यादा बड़े कैरी करती है तो उसके पास है, वो आएगी तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये देखिए जी और बड़े के बाद आ जाते हैं इस पे, लुक एट दिस ब्यूटी, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसको जो है आप शादी वगैरह पर भी कैरी कर सकते हैं, वैसे भी कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें भी थोड़ा बहुत स्पेस है, बस वॉलेट वगैरह आ जाएगा, ज़्यादातर मोबाइल आपका में भी ना आएगा, छोटा सा मोबाइल है तो आ जाएगा। ये भी जो है बड़ा हसीन एंड खूबसूरत सा बैग है। अब आ जाते हैं क्लचेस पे, एक ये क्लच है आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा इंस्टाग्राम में और उसके अलावा भी मैंने शादी वगैरह में इसको कैरी किया था, क्योंकि ये
बहुत इजी टू कैरी है और बड़ा स्टाइलिश है। तबीयत ठीक नहीं यार मेरी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है। ये देखिए इसको आप इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं यूँ, और इसको एज अ शोल्डर बैग भी आप कैरी कर सकते हैं, ये भी मिला है। और ये क्लच जो है मेरा मोस्ट फेवरेट है। नकली सभी आ जाते, बाकी भी दिखाऊंगी। ये भी क्लच जो है मुझे बड़ा प्यारा लगा था, और ये कुछ इस तरह से खुलता है यूँ। एंड तो हम इसको यूँ कैरी करें, चाहे तो हम इसको चेन लगा कर वैसे भी कैरी करें। ये तो बस क्लचेज में से ये दो क्लच है मेरे पास, और बाकी जो ये सारे बैग्स हैं तो ख़त्म। दैट्स ऑल अबाउट माई बैग्स कलेक्शन। अब पता नहीं कितने में मैं गिन लूँगी, आप लोगों ने पता नहीं गिने कि नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं गिने तो पीछे जाएं वीडियो को देखें, गिन लें और कमेंट करें कि टोटल जो है मेरे पास कितने बैग्स थे और कितने मैंने आपको दिखाए, एंड सबसे एक्सपेंसिव वाला कौन सा था। जिसका सही जवाब हुआ तो उसको जो है गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। तो मैं देखूँगी कौन जो है मेरी वीडियो पूरी देखता है, कौन जो है स्किप करके देखता है। तो ड्रॉप कमेंट नीचे के मेरे पास टोटल कितने बैग्स हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा वाला था, ब्लैक या रेड। ठीक है जी, तो चलें जी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए ये फोर्स करती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, खांसी भी है, एंड यू नो बुखार भी थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है, बट मैंने सोचा चलें जी गैप नहीं लेते, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मत कीजिएगा, नहीं बुखार सर पे चढ़ गया है, तो शेयर करना मत भूलिएगा, एंड जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, वीडियो के चक्कर में सारा ये खिलारा फैल गया, अब जो ये सारा खिलारा मुझे समेटना पड़ेगा। चलिए जी समेटते, हिम्मत रीमा हिम्मत।